केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं, जहां मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स पहुंचकर फंगल लैब और सभागार का लोकार्पण किया, तो वहीं उन्होंने सीएम शिवराज से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICMR द्वारा बनाई गई फंगल लैब और सभागार का लोकार्पण किया। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। ये एम्स भोपाल का प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम, इसको डेडिकेट करने का मौका मिला एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के फाउंडेशन को रखने का मौका मिला, नए सिरे से कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर नई सुविधाएं, चाहे वो लिनियर एक्सीलेटर हो या ब्रैकीथेरेपी हो या और दूसरे नए स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हो या फिर इसी प्रकार से एक हाई स्किल डिपार्टमेंट जिसमें कि हर सप्ताह अच्छी खासी संख्या में लोगों को, विशेषकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, उस आर्ट को स्किल उनका विकसित करने की सुविधा है, उसको डेडिकेट करने का मौका मिला। और साथ में जो हमारे प्यारे बच्चे किसी कारण से डेफनेस का, बहरेपन का शिकार होते हैं, चाहे वो पैदाइशी हो चाहे वो पैदा होने के बाद किसी कारण से डेवलप हो, उनके लिए देश में और विशेषकर यहाँ मध्य प्रदेश में पहली बार कॉकलियर इम्प्लांट लगाने का, बच्चों को ऑपरेशन करके योजना को इम्प्लीमेंट होने के बाद उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और ये एम्स भोपाल हमारा कंटिन्यूसली प्रगति के पथ पर है, आने वाले समय में धीरे धीरे और भी सुविधाएं विकसित होंगी। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की, जहां प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसको लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। प्रदेश के चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत की, एम्स में कुछ नई सुविधाओं की आवश्यकता है, भोपाल गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पताल के लिए भी उसका संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कैसे हो, उस पर भी चर्चा हुई है, कोई फैसला मिल गए हम लोग करेंगे, क्योंकि जो इंफ्रा और जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, भोपाल गैस राहत अस्पताल में उनका बेहतर उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, तो मैनेजमेंट के साथ भी चर्चा करेंगे और गैस पीड़ितों की और कैसे बेहतर सेवा हो सकती है, इलाज हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मैंने ये भी आग्रह किया कि जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो जब प्रारंभ हुआ था तब 75% भारत सरकार को देना था, लेकिन बाद में वो शेयर बदल के 60-40 हो गए, तो मैंने आग्रह किया कि 75-25 ही रहना चाहिए। नए मेडिकल कॉलेज जो हमने खोले हैं, खोलने का फैसला किया है सिवनी, छतरपुर और दमोह, तो मैंने आग्रह किया है कि भारत सरकार भी उनमें सहयोग करे, क्योंकि ये अभी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रारंभ किए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी गई इन सौगातों का कितना लाभ प्रदेश की जनता को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।